हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ही जो मेरी वीडियो है ये डिवाटरिंग के ऊपर है। लास्ट टाइम एक दोस्त ने पूछा था कि डिवाटरिंग के बारे में बताओ कुछ। तो डिवाटरिंग वैसे तो बहुत कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई, फिर भी मैं इसको थोड़ा ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिवाटरिंग क्या होता है। दोस्तों, डिवाटरिंग होता है पानी की निकासी को हम डिवाटरिंग बोलते हैं, जब कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी भर जाता है, ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन साइट पर बारिश के मौसम में पानी भर जाता है तो डिवाटरिंग कराते हैं। डिवाटरिंग क्यों कराते हैं दोस्तों? डिवाटरिंग इसलिए करते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए प्लेस मिल जाए, तो रिविंग जो वाटर होता है भरा होता है, फिल होता है उसमें, तो उसको रिमूव करते हैं ताकि वहाँ पर उस एरिया में कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होना है वो हो सके। तो इसकी थोड़ी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज डिवाटरिंग दोस्तों? द एक्शन ऑफ रिमूविंग ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, ठीक है, द एक्शन ऑफ रिमूविंग ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर फ्रॉम ए कंस्ट्रक्शन साइट। नॉर्मली द डिवाटरिंग प्रोसेस इज डन बाई पंपिंग। बिल्कुल ठीक है कि जो रिमूविंग मतलब कि ग्राउंड वाटर को रिमूव किया जाता है, सरफेस वाटर को कंस्ट्रक्शन साइट से, उसी को हम डिवाटरिंग बोलते हैं। और नॉर्मली जो डिवाटरिंग होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पंपिंग के द्वारा मतलब कि जो है डिवाटरिंग करवाते हैं, और ताकि जो साइट पर पानी भर गया है उसको हटा के कंस्ट्रक्शन जो है हो सके। बस यही डिवाटरिंग है, इससे ज़्यादा डिवाटरिंग कुछ नहीं है। हाँ, इसकी कुछ सावधानियाँ हैं जो याद रखने वाली बातें हैं, थोड़ा वो भी आप पढ़ सकते हैं जाके इंटरनेट पे। तो यही था, कुछ बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, मतलब पैनिक होने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बहुत इजी है। और आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।